समस्याओं को समझते हुए क्या किया है, अपने क्रैश कोर्स को थोड़ा सा आगे डिले किया है। समस्याओं को समझते हुए क्या किया है, अपने क्रैश कोर्स को थोड़ा सा आगे डिले किया है। समस्याओं को समझते हुए क्या किया है, अपने क्रैश कोर्स को थोड़ा सा आगे डिले किया है। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कात्यायन एकेडमी के इस लाइव सेशन में। हम आपसे जुड़ चुके हैं लाइव डायरेक्टली, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत बहुत स्वागत है आपका। हो गई, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। 5-6 मिनट में कुछ नहीं होता है, लेकिन आज की क्लास बहुत ही दमदार होने वाली है। और कमर कस के तैयार हो जाइए आज के लाइव एकेडमी के लिए। लाइव सेशन सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेंगे लाइव डायरेक्टली, ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं इश्यूज की वजह से बहुत स्वागत है आपका। सेशन चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। 5-6 मिनट सभी तक पहुंचता है, लेकिन आज की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और ठीक है जी, कमर कस के तैयार हो जाइए आज के लाइव एकेडमी के लिए। लाइव सेशन सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेंगे लाइव डायरेक्टली, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं इश्यूज की वजह से बहुत स्वागत है आपका। सीरीज इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, अभी आप में क्या क्या कमियां हैं और कहां कहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, इस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपनी परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर के बारे में। आज जो चैप्टर लिया गया है 12th बायोलॉजी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस नाम के चैप्टर से। इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सिलेबस के बारे में, जो कि इस साल इस जो आपका रिवाइज सिलेबस आया है इस 2021 सेशन का, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है इस चैप्टर से। यानी कि एज इट इज पूरा चैप्टर आएगा, यानी कि आपको इसमें ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना होगा, हैबिटाट, निके, ये बेसिक टर्म्स आपको पढ़ने होंगे, साथ में पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल अडाप्टेशन भी पढ़ने होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोलॉजिकल अडाप्टेशन ही है, इसी टॉपिक पे हम अच्छे से इसको समझेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जिसमें हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वगैरह, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आइए जी अच्छे समझते हैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सो स्टार्ट करेंगे हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। देखिए जी, चलिए, सो टॉपिक का नाम है एडाप्टेशन।
एडाप्टेशन क्या होती है? जैसा कि आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं, इन्वायरमेंट के वजह से उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्स कंडीशंस आती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सकें। कंडीशंस कितनी भी हार्श क्यों ना हो जाएं, अडॉप्टेशन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड 19 की वजह से अब आप लोग अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। कंडीशन कितनी ही एडवर्स क्यों ना हो जाएं, आपको अपने आपको अडॉप्ट करना ही होगा क्योंकि आप यहां पे सर्वाइव करना है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं अडॉप्टेशंस क्या होती हैं। अडॉप्टेशन किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म का एक एट्रीब्यूट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, विच में भी मॉर्फोलॉजिकल, विच में भी फिजियोलॉजिकल, विच में भी बिहेवियरल। यानी कि बिहेवियर में चेंज करके भी एनिमल्स जो होते हैं वो अडॉप्टेशन कर सकते हैं, साथ में मॉर्फोलॉजी में चेंज करके भी अडॉप्टेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ये अडॉप्टेशन जो होती हैं इनकी बात करेंगे हम लोग। दैट इनेबल्स इट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इट इन इट्स हैबिटेट कैन बी रिफर टू एज अडॉप्टेशन, है ना जी। तो मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन भी हो सकती है, बिहेवियर में भी चेंजेस लाके कोई भी एनिमल अडॉप्ट कर सकता है, और साथ में फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल, अपनी फिजियोलॉजी में चेंज करके भी अडॉप्टेशन ला सकता है। ठीक है जी, चले जी, सभी बच्चे हमसे जुड़ जाए, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, अडॉप्टेशन के बाद आगे डिस्कस करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो अडॉप्टेशन होती हैं, ठीक है, ये एक इस तरह का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बन जाता है, कोई यूनिक स्ट्रक्चर बन जाता है एनिमल अपने आपको सर्वाइव कराने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसे पेक्युलर और यूनिक फीचर्स को डेवलप करता है। ठीक है जी, इसमें कमेंट्स नहीं आ रहे इसमें। सो दीज अडॉप्टेशंस हैव लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम स्पेशलाइज एंड पेक्युलर फीचर्स, दीज फीचर्स हैव इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो फीचर्स होते हैं ये एकदम से इवॉल्व तो नहीं होते, एनवायरमेंट को ना कुछ एडवर्स कंडीशंस को फेस करना पड़ता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनवायरमेंट में जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं तो वो एनिमल अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए कोई ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है जो उसके लिए सुटेबल हो वहां पे, ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अडॉप्टेशंस होती हैं इसकी वजह से फॉर्मेशन होता है। बहुत ही अच्छे समझिएगा एक एक पॉइंट को, मैं सारी बातें पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर एक बार मैं आपको रीड भी करा दूंगा। ओके जी, सो दीज अडॉप्टेशंस हैव लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम स्पेशलाइज्ड एंड पेक्युलर फीचर्स, दीज फीचर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब आप कहेंगे सर ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जब किसी भी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, जो हार्श कंडीशन से एक्सट्रीम कंडीशन से जब उसका इंपैक्ट पड़ता है, उस कंडीशन में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं वहां पे, जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो सर्वाइव कर लेंगे उन्हें माना जाएगा कि नेचर ने उनको सेलेक्ट किया है, यानी नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू वही ऑर्गेनिज्म बचेंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे। दस दीज अडॉप्टेशन बिकम जेनेटिकली फिक्स, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसे अडॉप्टेशन होंगे जो उन अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म्स की अगली जनरेशन में भी जाएंगे जो सर्वाइव कर चुके थे। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं जो अडॉप्टेशन होते हैं ये जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करनी चाहिए। हम एक एक करके अडॉप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अडॉप्टेशन इन प्लांट्स और अडॉप्टेशन इन एनिमल्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अडॉप्टेशन इन प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट्स की वैरायटीज में किस तरह से अडॉप्टेशन होता है, अपने सर्वाइवल के लिए वो किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं कि किसी भी तरह की, चाहे बहुत ज्यादा सर्दी हो, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो, किसी भी तरह की हार्श या एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में वो वहां पे रह सके। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। सो प्लांट्स के अडॉप्टेशन की बात करते हैं। आप जानते हैं प्लांट्स भी अलग अलग तरह के मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस को शो करते हैं, या फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है जी, ताकि वो वहां पर सर्वाइव कर सकें। सो डिफरेंट प्लांट शो डिफरेंट एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन, अलग अलग तरह की अडॉप्टेशन अलग अलग प्लांट की वैरायटी में होती है। प्लांट की वैरायटी अलग होगी, उसका एनवायरमेंट अलग होगा, तो अडॉप्टेशन भी अलग अलग होंगे। ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स के बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। डेजर्ट प्लांट्स को हम लोग जेरोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो डेजर्ट प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? जेरोफिटिक प्लांट्स बोलेंगे, और इसमें कुछ स्पेशल अडॉप्टेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जेरोफिटिक प्लांट्स में पाई जाने वाली अडॉप्टेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये प्रॉब्लम्स आपको क्लियरली आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। सो बच्चों परेशान मत होइएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं आपके कमेंट रीड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे अब तक मुझसे जुड़ चुके होंगे आई होप, और आप सभी हमसे जुड़े रहिए। जैसे ही ये टेक्निकल जो एरर दूर हो जाएगी मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, अभी मुझे कमेंट विजिबल नहीं हो पा रहा है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करता हूं जैसे ही कमेंट विजिबल होते हैं। ठीक है जी, सो अडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स के बारे में तब तक हम पढ़ते हैं।
अच्छे से फोकस्ड होके यहाँ पे पढ़िएगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे, जेरोफिटिक प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रूट्स ग्रो वेरी डीप टू एक्सप्लोर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबल अंडरग्राउंड वाटर। जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी जेरोफिटिक प्लांट होगा, डेजर्ट प्लांट होगा, तो वो बहुत डीप उसकी रूट्स चली जाएंगी। जो उसकी रूट्स हैं वो डीप क्यों चली जाएंगी, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो अडाप्टेशन होती हैं वो इसलिए होते हैं कि वाटर को ऑब्टेन किया जा सके। डेजर्ट एरिया क्या होता है, जहाँ पे वाटर ना हो, और अगर वाटर नहीं है तो ओके जी चलिए जी, बहुत सारे लोग से जुड़ चुके हैं, साक्षी यादव जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग साक्षी जी, चलिए बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं जुड़ने, और समझते रहिए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है जी। चलिए सो अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जेरोफिटिक प्लांट्स रूट्स ग्रो वेरी डीप टू एक्सप्लोर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलेबल अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है जी, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप चली जाती हैं, ताकि इजीली वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अडाप्टेशन की बात करते हैं। आप जानते हैं कि बेसिकली जो जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, रेगिस्तान में जो पेड़ उगते हैं, उनमें मेन प्रॉब्लम होती है ट्रांसपिरेशन की, यानी वाटर लॉस की। जेरोफिटिक एनवायरनमेंट में, ड्राई एटमॉस्फेयर में पानी की कमी होती है, और पानी की कमी को से बचने के लिए वो क्या करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होता है उसको वो कंजर्व करते हैं। क्या करते हैं जी, कंजर्व करते हैं, और कंजर्वेशन के लिए चाहते हैं कि भैया ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि मेजर लॉस ऑफ वाटर तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन ना हो इसके लिए स्टोमेटा क्लोज होने चाहिए, या स्टोमेटा बहुत डीपली आपके सिचुएटेड होने चाहिए, है ना, पिटेड होने चाहिए। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि डीप पिट्स में अगर स्टोमेटा है तो वाटर लॉस कम होगा, ठीक है, कंजर्वेशन कहीं ना कहीं वाटर का हो जाएगा। साथ में एक एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल की थिक लेयर होनी चाहिए लीफ के ऊपर, अगर थिक या वैक्सी कोटिंग हो जाएगी लीफ के ऊपर तो वाटर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, और इस तरह से डेजर्ट प्लांट वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आइए देखते हैं, सो बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके आसपास क्या होता है, बताइए, थिक क्यूटिकल होती है। मैं आपको अभी डायग्राम से शो करूंगा कि लीफ के ऊपर किस तरह से थिक क्यूटिकल होती है और संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। संकेन स्टोमेटा का मतलब होता है कि वो जो स्टोमेटा है वो डीप पिट्स में, गहराई में है काफी, जिसकी वजह से वाटर लॉस काफी हद तक, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है जी। चलिए सो जो बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है ऑन देयर लीव सरफेस एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन इज द मेजर फैक्टर फॉर देयर वाटर लॉस। वाटर लॉस के लिए मेजर फैक्टर ट्रांसपिरेशन ही होता है, ठीक है जी। सेजल सिंह जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सेजल जी, आज आप लगे रहिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, और ये बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे समझिएगा। आगे देखते हैं बच्चों की और क्या क्या स्पेशलाइजेशन जेरोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि जेरोफिटिक प्लांट्स के लिए एक प्रॉब्लम और होती है कि अगर वो दिन में जब धूप होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, उस कंडीशन में अगर वो स्टोमेटा ओपन करेंगे उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है मेजरली, है ना। सो अगर कुछ ऐसा कर लिया जाए कि स्टोमेटा क्लोज रहे, दिन में भी क्लोज रहे, तो उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन से बचा जा सकता है, और रात में स्टोमेटा ओपन हो जाए। इसलिए जो जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनमें एक स्पेशलाइज पाथवे होता है जिसे हम बोलते हैं कैम पाथवे, या इसे हम लोग बोलते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इस कैम पाथवे के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटा दिन में क्लोज रहते हैं और रात में ओपन हो जाते हैं। रात में तो सनलाइट होती नहीं है, रात में ट्रांसपिरेशन भी कम होता है, ठीक है जी। चलिए जी, तो श्री कुमार मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत थैंक यू जी शिव कुमार मिश्रा जी, आप जुड़े, और गुड इवनिंग श्री कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, दे ऑल्सो हैव अ स्पेशलाइज फोटोसिंथेटिक पाथवे नोन एज क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसे क्या बोलते हैं बताइए, क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम सो एज टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन, ताकि ट्रांसपिरेशन को कम से कम किया जा सके। मैंने पहले ही सारी बातें आपको समझा दी, अब मैंने रीडिंग भी कर दी, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। चलिए अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डायग्राम भी शो करूंगा, ये रहा डायग्राम थिक क्यूटिकल का। इस तरह से एक वैक्सी कोटिंग होती है लीफ के ऊपर, जो कि एक तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करती है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है। ये जो थिक कोटिंग लीफ के ऊपर दिख रही है इस तरह से, ये वैक्सी कोटिंग जो व्हाइट कलर की आपको यहां पे ऑब्जर्व हो रही है, यही कोटिंग जो होती है स्टोमेटा से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, कोशिश करती है कि कम से कम वाटर लॉस हो, ठीक है जी। तो ये होता है थिक क्यूटिकल का फंक्शन, जो कि जेरोफिटिक प्लांट्स में पाई जाती है, एक अडाप्टेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल। आगे बात करेंगे तो ये हो गया हमारा संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा का मतलब होता है कि ये काफी डीप पिट्स या गहराई में होते हैं,
जैसा कि आप जानते हैं किसी भी प्लांट की लीफ की बात अगर की जाए तो वहां पे इस तरह से आप देखेंगे तो ये बाहर वाली एपिडर्मिस हो जाएगी और एपिडर्मिस के जस्ट बिलो मिल जाएगी हमको ये हाइपोडर्मिस। और आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से पिट्स में गहरे गड्ढों में यहाँ पे ये संकेन स्टोमेटा यहाँ पे पाए जाएंगे। संकेन स्टोमेटा की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की रेट काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है और वाटर लॉस से प्लांट बच जाता है। ठीक है, तो एक तरह की ये भी एक अडेप्टेशन, ठीक है जी, जो जेरोफिटिक प्लांट्स में पाई जाती है। और इस तरह से अब इस चार्ट के थ्रू हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने बताया कि प्लांट्स में थिक क्यूटिकल होती है, साथ में उनमें संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन होता है कि क्योंकि ट्रांसपिरेटरी मेन जो ऑर्गन होता है वो तो लीफ होती है। ठीक है जी, सृष्टि राव जुड़ चुकी हैं, हेलो जी सृष्टि जी, सभी बच्चे से जुड़ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे हम लोगों का जो मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा और उतनी ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको नॉलेज मिल सकेगी। ठीक है जी, सो प्लांट अडेप्टेशंस को एक बार हम थोरोली देख लेते हैं कि प्लांट्स में जेरोफिटिक कंडीशंस में, डेजर्ट एरिया में, हार्श या एक्सट्रीम एनवायरमेंट में किस तरह से उनमें अडेप्टेशन होता है। चलिए जी, वैक्सी कवरिंग के बारे में आपको बता चुका हूं, थिक क्यूटिकल होती है, वैक्सी कवरिंग होती है जो उनको बचाती है ट्रांसपिरेशन से, और दूसरी बात उनकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड कर लेती है अपने आपको स्पाइंस में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि लीव आर द मेजर ट्रांसपिरेटरी ऑर्गन, ट्रांसपिरेशन का जो मेजर पार्ट होता है वो लीव से ही होता है क्योंकि स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर लीव को रिड्यूस करा दिया जाए स्पाइंस में तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, उस वजह से ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा। इस वजह से ऐसे प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो अपने आपको मॉडिफाइड कर लेती हैं स्पाइंस में। और वैक्सी कवरिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूं, सो वैक्सी कवरिंग हो गई जी, उसके बाद स्पाइंस हो गए, लॉन्ग रूट्स होती हैं, रूट्स नियर सर्फेसिस यानी सरफेस के पास रूट्स पाए जाएंगे जो उनको सपोर्ट करेंगी, एंड फास्ट ग्रोइंग सीड्स होंगे जो तेजी से ग्रो करेंगे और ये वाटर को स्टोर भी कर सकते हैं। अपोइंशिया का प्लांट आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि स्पाइंस जो होते हैं वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है जी, लीफ मॉडिफाइड करके स्पाइंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, तो अंजू शुक्ला जुड़ चुकी हैं, हेलो अंजू जी, आकर सचान, हेलो सभी लोगों को गुड इवनिंग, आप सभी लोग जुड़े रहिए हमसे और सीखते रहिए कि प्लांट्स में, जेरोफिटिक प्लांट्स में कैसे कैसे अडेप्टेशन होता है, कैसे वो इतने हार्श और एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है जी, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये डेजर्ट प्लांट, जेरोफिटिक प्लांट इतनी तेज धूप में भी अडाप्ट कर लेते हैं और वहां पे रेगिस्तान में भी हमको प्लांट्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया। इस प्लांट को देखिएगा, आप जानते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को स्पाइंस में मॉडिफाइड कर लेती हैं, यही जो स्पाइंस होते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो लीफ लग रहा है, नो दिस इज नॉट लीफ, ये तो स्टेम है, स्टेम एक्चुअली में लीफ का मॉडिफिकेशन बन जाता है। एक्चुअली में कहने मतलब ये है कि जो स्पाइंस है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, जबकि जो स्टेम्स हैं वो लीफ लाइक हो जाएंगे। ये हैं स्टेम्स बट लीफ जैसा दिख रहा है, ये हैं स्पाइंस बट हैं एक्चुअली में लीफ। ठीक है जी, इस तरह से कुछ जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं लाइक अपोइंशिया हैव नो लीव्स, इसमें किसी भी तरह की कोई लीफ नहीं पाई जाती है, देयर लीव्स आर रिप्लेस या रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, है ना, एक जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइंस में, एंड फोटोसिंथेसिस अकर्स इन फ्लैटेंड स्टेम्स, और जो फोटोसिंथेसिस हो रही है इन फ्लैटेंड स्टेम से हो रही है, इस तरह से ये स्टेम जो होगा वो फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेटिक स्टेम किसमें हो सकता है, तो आप जेरोफिटिक प्लांट्स का नाम बता सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो बात होगी अपोइंशिया की। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जेरोफिटिक प्लांट्स के पार्ट को हमने कवर कर लिया है और अब हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं। आपको पहली बात तो मालूम होनी चाहिए कि एक्वेटिक हैबिटेट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स या हाइड्रोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोटर्म होता है वाटर से, किससे होता है जी, वाटर से, तो एक्वेटिक प्लांट्स को इस वजह से हम लोग हाइड्रोफाइट बोलते हैं या हाइड्रोफिटिक प्लांट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, आस्था सजान जुड़ चुकी हैं, आस्था जी को सारी बातें समझ में आ रही हैं, आस्था जी हमसे जुड़े रहिए इस तरह से और इस लिंक को शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, सभी बच्चे इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी उनके दोस्त हैं सभी लोगों को इकट्ठा कर लें ताकि उनका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये रटने वाला नहीं समझने वाला टॉपिक है, अच्छे से समझ लेंगे, स्टोरी की तरह समझ लेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ लेंगे, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उससे बचने के लिए प्लांट्स क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं।
बेसिकली आप जानते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो कहीं नीचे ना चले जाएं, यानी डूबने खतरा रहता है, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा गहराई पे सनलाइट पहुंचती नहीं है। सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और हाइड्रोफाइट्स हैव इवॉल्व एरेंकाइमा फॉर बायोन्सी, इसका भी तोड़ निकाल लिया प्लांट्स ने। उन लोगों ने अपने आपको अडॉप्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज पेरेंकाइमा डेवलप किया। पेरेंकाइमा ने ही अपने आपको पेरेंकाइमा टिश्यू तो पढ़ा ही होगा, सिंपल टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लांट्स ने क्या किया, एरेंकाइमा को डेवलप कर लिया। व्हाट इज एरेंकाइमा? एरेंकाइमा एक तरह का मॉडिफाइड पेरेंकाइमा टिश्यू ही होता है। पेरेंकाइमा अपने आपको जब मॉडिफाई कर लेता है और बायोन्सी प्रोड्यूस करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है, एयर कैविटीज आ जाती हैं उसमें, इस कंडीशन के में इस तरह के पेरेंकाइमा को बोलते हैं हम लोग एरेंकाइमा फॉर बायोन्सी एंड फ्लोटिंग। दे हैव कवरिंग ऑफ वैक्स टू अवॉइड डैमेज थ्रू वाटर। और एक्वेटिक प्लांट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, उनके ऊपर लीफ के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जो उनको वाटर से बचाती है, वाटर से प्रोटेक्शन देती है, ताकि वाटर किसी भी तरह का लीफ को डैमेज ना कर पाए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इस डायग्राम के थ्रू एरेंकाइमा को समझते हैं कि हाइड्रोफाइट्स में ये स्पॉन्जी टिश्यू कैसे पाया जाता है और किस तरह से ये हेल्प करता है। तो ये एरेंकाइमा है, हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, स्पेशली हमने आपको बताया कि ये पेरेंकाइमा ही होता है, मॉडिफाइड पेरेंकाइमा होता है, इसमें एयर कैविटीज पाई जाती हैं, ये रही आपकी एयर कैविटीज, ये प्रेजेंट है यहाँ पे एयर कैविटीज। और आप देखिए ये एक हाइड्रोफाइट का स्टेम है, इसका क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, और आप देखेंगे कि इसमें ये एरेंकाइमा पाया जा रहा है और यहाँ पे ये कैविटीज पाई जा रही हैं, जिसके थ्रू ये स्पॉन्जी नेचर का हो जाता है। कैसा हो जाता है जी? स्पॉन्जी नेचर का, और हॉलो होता है थोड़ा सा। स्पॉन्जी नेचर का होने की वजह से ये वाटर को फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। सो इस तरह से ये हमने एक इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन पढ़ लिया। ये देखिए, ये प्लांट हाइड्रिला का है, हाइड्रिला प्लांट बहुत फेमस होता है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन इवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट में भी, जब ऑक्सीजन इवॉल्व होती थी फोटोसिंथेसिस में, उसके लिए इसको यूज करते हैं एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। सो रूट्स आपकी जनरली एब्सेंट होती हैं प्लांट्स लाइक हाइड्रिला में एंड निम्फिया वगैरह में। सो इस तरह से इन प्लांट्स में ये रूट्स जो होती हैं एब्सेंट होती, क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास चॉकलेट की दुकान या चॉकलेट की फैक्ट्री है तो मैं पर डे बहुत सारे चॉकलेट खाता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जी कि मेरे पास चॉकलेट की शॉप है या चॉकलेट की फैक्ट्री तो मैं दिन भर चॉकलेट खाऊंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिसके पास नहीं होती उसका मन करता है, जिसके पास होती उसका मन नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही ये प्लांट पानी में ही रहते हैं। तो क्या इनको वैस्कुलर टिश्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्या जाइलम की जरूरत है बहुत ज्यादा? मीन्स इनमें वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो होगा वो वीक हो जाएगा, यानी कि कहने मतलब ये कि रूट्स वगैरह प्रॉपर नहीं होंगे, क्योंकि रूट्स का मेन काम तो भैया एंकरेज करना और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होता था। वाटर से तो घिरे हुए हैं, हर जगह से वाटर ही वाटर मिल रहा है, तो डायरेक्टली भी एब्जॉर्ब हो सकता है। रूट्स का कोई खास रोल यहाँ पे नहीं होता है, इस वजह से रूट्स या तो रिड्यूस्ड होंगी या तो एबसेंट भी हो सकती हैं इन हाइड्रोफाइट्स में, लाइक हाइड्रिला में और निम्फिया वगैरह में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एडाप्टेशंस इन सेलाइन एनवायरनमेंट। ये तो हाइड्रोफाइट्स की बात हो गई, ठीक है जी। चलिए, रितु सिंह जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा लेट आए हैं लेकिन समय से आने की कोशिश करिए। रितु सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है कात्यायन एकेडमी के लाइव सेशन में। चलिए जुड़ चुके हैं तो फोकस करके पढ़िएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस फर्स्ट टॉपिक को, दैट इज एडाप्टेशन इन सेलाइन एनवायरमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि इस अर्थ पे वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट पाया जाता है, अलग अलग हैबिटेट्स में। या अगर हम एक एनवायरमेंट की बात करें तो सेलाइन एनवायरमेंट की, पहले मैं आपको थोड़ा नॉलेज देता हूँ। सेलाइन एनवायरमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा हार्श हैबिटेट जहां पे सॉल्ट ज्यादा हो, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, चाहे वो सॉइल हो चाहे वो वाटर हो। तो आपका ऐसा एनवायरनमेंट जो होता है जहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वाटर में भी और सॉइल में भी, वो कहलाएगा सेलाइन एनवायरनमेंट। और ऐसे प्लांट जो इस सेलाइन एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे बाय वेरियस एडाप्टेशंस, उन प्लांट्स को बोलेंगे हेलोफिटिक प्लांट्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हेलोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। सो हेलोफिटिक प्लांट्स सेलाइन एनवायरनमेंट में वो ग्रो करेंगे, ओके जी। चलिए जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अजय सिंह यादव जो जुड़ चुके हैं। सलाइन मींस सी वाटर, बिल्कुल सही बात है। वो किसी भी तरह का वाटर हो जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई होगा उसे हम सलाइन वाटर बोल सकते हैं। अजय सिंह यादव जी ने बहुत बहुत सही जवाब दिया है। चलिए जी, बिल्कुल सही, हमसे जुड़े रहिए अजय सिंह जी, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकें और हमसे जुड़ सकें और इस टॉपिक को अच्छे से सीख सकें। सो एडाप्टेशंस इन सलाइन एनवायरनमेंट, ऐसे प्लांट्स को मैंने आपको बताया कि हेलोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। ये सलाइन हैबिटेट में ग्रो करते हैं, कहां ग्रो करेंगे? सलाइन हैबिटेट में ग्रो करेंगे। बट सारे प्लांट्स तो ग्रो नहीं कर सकते, जो ग्रो करेंगे उन्हें बोलेंगे हेलोफिटिक प्लांट्स। और खास बात ये होती है कि वो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट एडाप्टेशंस के थ्रू वहां पे ग्रो कराते हैं।
आप कहेंगे सर कैसे ग्रो कराएंगे, रूट्स तो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इसीलिए ऐसे प्लांट्स में नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स पाई जाती हैं। अब प्रॉब्लम फिर से आ गई, सर ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स क्या होती हैं? अब आप कहेंगे तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स वो रूट्स होती हैं जो ग्रेविटी के टूवर्ड्स ना जाके अगेंस्ट ग्रेविटी जाती हैं, अपोजिट टू ग्रेविटी जाती हैं। यानी ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स होती हैं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं जाती हैं, ये वर्टिकली अपवर्ड जाती हैं। ऐसी रूट्स को बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। क्लियर है जी? चले जी, रश्मि द्विवेदी जुड़ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून जी रश्मि द्विवेदी, आज आप लेट हो गए, आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, समय से आने की कोशिश करिए। ठीक है जी, ओके जी, चलिए जी, अजय सिंह यादव जी को समझ में आ गया है, ओके जी आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए संपर्क करें कात्यायन एकेडमी में, ओके जी। सो एडाप्टेशन इन सलाइन एनवायरमेंट की बात करते हैं, द प्लांट्स ऑफ सलाइन हैबिटेट, क्योंकि मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं, बस सिर्फ रीडिंग करनी है। तो सलाइन हैबिटेट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी होती है पहली बात, क्योंकि अगर ये एबिलिटी नहीं होगी तो वो ग्रो कैसे करेंगे, है ना जी? ठीक है। सो ऑफ सॉल्ट इन देयर रूटिंग मीडियम बट आर ऑल्सो एबल टू ऑब्टेन देयर वाटर सप्लाई फ्रॉम द सेम, यानी उसी हाइपर सलाइन सॉइल से ही वो हाइपर सलाइन वाटर को भी एब्सॉर्ब करेंगे। बहुत ही मुश्किल बात होती है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि हाइपर सलाइन वाटर को, आई मीन जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऐसे वाटर को ऑस्मोसिस से एब्सॉर्ब करना। सो ये जो ये आपके जो प्लांट्स होते हैं, जो हेलोफाइट्स होते हैं, ये आपके टाइडल मार्शेस में पाए जाते हैं और इनको मैंग्रोव प्लांट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे प्लांट्स को मैंग्रोव प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, सो टाइडल मार्शेस में ग्रो करेंगे, कोस्टल ड्यून्स में ग्रो करेंगे, मैंग्रोव्स में ग्रो करेंगे एंड सलाइन सॉइल वगैरह जहां पे भी होगी वहां पे भी ग्रो करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। सर्टेन ग्रीन एल्गी आर आल्सो फाउंड इन दीज एरियाज, और हाइपर सलाइन सॉइल में कुछ ग्रीन एल्गी भी पाए जाते हैं। इस डायग्राम को जरा देखिए, इस डायग्राम में आपको एक मैंग्रोव एरिया दिखाया गया है जहां पे ये वाटर देखिए कितना हाइपर सलाइन। ठीक है, ये एक तरह का दलदल जैसा इलाका होता है जहां पे सॉल्टी वाटर पाया जाता है। इस सॉल्ट में, इसकी सॉइल में, जो आई मीन सॉइल में, इस वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है नॉर्मल वाटर के कंपेयर में, और इन प्लांट्स को बोलेंगे मैंग्रोव प्लांट्स जो यहां पे ग्रो करेंगे। ठीक है जी, सो इस तरह से मैंग्रोव एरिया में आपको वेस्ट बंगाल में सुंदरबन वगैरह जो एरिया होती है वहां पे मैंग्रोव प्लांट आपको इजी मिल जाएंगे, इजीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। अजय सिंह जी ने पूछा है सर डीएनए और आरएनए कब पढ़ाएंगे? डीएनए आरएनए का भी लाइव सेशन कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करें, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है जी, किसी भी तरह के टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आपको कात्यायन एकेडमी का बोल्ड बूस्टर सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अजय सिंह जी बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, ऐसे ही बच्चे आगे चल के एग्जाम्स में टॉप करते हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए बातों को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मैंग्रोव प्लांट्स के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आप जानते हैं कि मैंग्रोव प्लांट बड़ी मुश्किल से उस हाइपर सलाइन सॉइल में ग्रो कर रहे हैं और उनको सर्वाइवल उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, उनको वाटर भी चाहिए, और खास बात तो यह है कि इतनी हाइपर सलाइन सॉइल में उस सीड को कैसे जर्मिनेट कराएंगे? सीड कैसे जर्मिनेट होगा जी? तो सीड को जर्मिनेट कराने का भी हल निकाल लिया है। रूट्स ऑक्सीजन चाहती थी तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम वर्टिकली अपवर्ड रूट्स ग्रो कराएंगे और एयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन ले लेंगे, कोई बात नहीं ले लेंगे जी। और ऐसी वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स जिसको मैंने बोला था निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। और न्यूमेटोफोर्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी, और उसके बारे में खास बात बताऊंगा कि न्यूमेटोफोर्स में होल्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूमेथोड्स। क्या बोलते हैं? न्यूमेथोड्स या लेंटिसेल्स होते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सो मैंग्रोव्स आर द एरियाज that not only have excess salt but also have excess water and anaerobic conditions. Anaerobic condition भी होगी, excess salt भी होगा। Okay जी, चलिए जी। Funny status भी जुड़ चुके हैं हमसे, बहुत बहुत स्वागत है funny status का। अपना नाम तो बताते चलो भैया, funny status अपना नाम बता देना भैया कि आपको बता तो सके कौन जुड़ा है हमसे। Okay जी, अजय सिंह जी को बात समझ में आ गई है, थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बहुत वेलकम आपका। आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो मैंग्रोव प्लांट्स के पास हम लोग आते हैं और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखने की कोशिश करते हैं। सो मैंग्रोव्स आर द एरियाज दैट नॉट ओनली हैव एक्सेस सॉल्ट बट आल्सो हैव एक्सेस वाटर एंड एनारोबिक कंडीशन बिसाइड डिफिकल्टी इन एंकरिंग एंड सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में भी प्रॉब्लम होगी, प्लांट को एंकर करने में भी प्रॉब्लम होगी कि वहां पर कैसे वो सर्वाइव करेगा। अ नंबर ऑफ प्लांट पजेस स्मॉल निगेटिवली जियोट्रॉपिक वर्टिकल रूट्स, मैंने वो आपसे बोला था ना
स्मॉल नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी कि वर्टिकली ग्रोइंग रूट्स वहां पे प्रेजेंट होंगी जो वर्टिकली अपवर्ड आएंगी, इनको हम लोग बोलते हैं, ऐसी रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलेंगे? ऐसी रूट्स को बोल देंगे न्यूमेटोफोर्स। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं। इनमें लेंटिसल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा एविसिनिया। ठीक है जी, एविसिनिया एक मैंग्रोव प्लांट होता है जो ग्रो करता है, उसमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डायग्राम शो करूंगा, दिखाऊंगा इन न्यूमेटोफोर्स का। देखिए जी, ये एक मैंग्रोव प्लांट में निगेटिवली जियोट्रॉपिक वर्टिकल अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स यहां पे दिखाई गई है जो आपकी सॉइल से ऊपर आ रही है। ये जो आपकी रूट है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलेंगे जी? न्यूमेटोफोर्स। और इनमें जो होल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेंगे, उन्हें हम बोलेंगे न्यूमेथोड्स। क्या बोल देंगे? न्यूमेथोड्स। नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेटोफोर्स और न्यूमेथोड्स। सो निगेटिवली जियोट्रॉपिक वर्टिकल रूट्स न्यूमेटोफोर्स आपको इस डायग्राम के थ्रू दिख गए होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझेंगे विविपरी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने आपसे कहा था कि प्लांट्स जो कि आपके हेलोफाइट्स होते हैं वो उस हाइपरसैलाइन सॉइल में सर्वाइव कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट सीड कैसे जर्मिनेट होगा वहां पर? सीड को जर्मिनेट कराने के लिए कुछ ना कुछ अडेप्टेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि उस हाइपरसैलाइन सॉइल में छोटा सा बेबी सीड अगर आ जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो इस सीड को जर्मिनेट कराने के लिए पहले ही अपने प्लांट में सीड गिरता भी नहीं, सीड को गिरने के पहले ही प्लांट में लगे लगे ही वो जर्मिनेट कर जाएगा। यानी जो सीड जर्मिनेशन होगा प्लांट में ही हो जाएगा, ठीक है, बिफोर शेडिंग। तो इस तरह के सीड जर्मिनेशन को बोलते हैं विविपरी। क्या बोलते हैं जी? विविपरी बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। सो अनदर अडेप्टेशन ऑफ मैंग्रोव प्लांट इज विविपरी और सीड जर्मिनेशन वाइल द फ्रूट इज स्टिल अटैच टू द प्लांट। इसका डायग्राम भी मैं आपको भी शो करूंगा किस तरह से विविपैरिटी होती है, यानी इस प्लांट की प्रॉपर्टी को विविपैरिटी बोलते हैं। ठीक है जी, किस तरह से फ्रूट अभी भी लगा हुआ है और लगने के बावजूद वो अभी गिरा भी नहीं है, सीड उसमें भी अभी लगे हुए हैं और वो जर्मिनेट भी कर जाएगा, ठीक है, प्लांट में लगे हुए। एग्जांपल हो जाएगा राइजोफोरिया। ठीक है, राइजोफोरा बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइजोफोरा का तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सो राइजोफोरा हो जाएगा, ठीक है, एजिसिरास हो जाएगा, एंटेरियोप्स हो जाएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैंग्रोव प्लांट्स के। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, नोट पॉइंट है, कि जो ऑक्सीजन रिलीजिंग होती है, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वाटर में भी, लाइक दिस एक्ट एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन ऑफ वेटलैंड स्पीसीज ऑफ सॉइल एनारोबियोसिस लाइक आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। आइकॉर्निया और पिस्टिया दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और ये वाटर में वेटलैंड्स में ऑक्सीजन को रिलीज करते रहते हैं। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चंस के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शो करूंगा कि इस प्लांट में किस तरह से विविपैरिटी पाई जा रही है, ये सीड जर्मिनेशन जो होता है ये विविपैरिटी सीड जर्मिनेशन होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लांट में अभी भी फ्रूट लगा हुआ है, उसके अंदर से सीड से डायरेक्टली देखिए जर्मिनेट कर गया और इस तरह से सीडलिंग्स ग्रो कर रही है। ठीक है जी, इस तरह के जर्मिनेशन को बोलते हैं विविपरी सीड जर्मिनेशन। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा गया है इन्यूमरेट द अडेप्टेशन, ठीक है, अडेप्टेशन को बताना है दैट हेल्प हेलोफाइट्स टू सर्वाइव इन सॉल्टी कंडीशन, सॉल्टी कंडीशन में हेल्प करेंगी। तो मैंने आपको अभी बहुत सारी अडेप्टेशन बताई हैं, कोई भी अडेप्टेशन बता दीजिए भैया, कि प्लांट्स में न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बताइए? न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है प्लांट्स में? न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स होते हैं जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था इस तरह से। उसके अलावा विविपरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताइए? विविपरी पाई जाती है। विविपरी क्या होता है? विविपरी एक तरह का सीड जर्मिनेशन होता है जो प्लांट्स को सीड जर्मिनेशन में क्या करता है? हेल्प करता है उस हाइपरसैलाइन एरिया में। ठीक है जी, इस तरह के बहुत सारे अडेप्टेशन पाए जाते हैं। और एक बात और बेटा, जो नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है कि न्यूमेटोफोर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे वो नीट 2021 में भी अपीयर होंगे। ठीक है जी, तो कुछ क्वेश्चंस को हम नीट वाले भी डिस्कस करेंगे कि न्यूमेटोफोर्स को नीट में कैसे पूछा जा सकता है। नीट 2021 में न्यूमेटोफोर्स के लिए देखा जाए तो पूछ सकते हैं कि किस किस तरह की वैरायटी ऑफ प्लांट्स में रिस्पायरेटरी रूट्स होती हैं, जो रिस्पायरेशन में हेल्प करती है, तो आप बता देंगे न्यूमेटोफोर्स आपके रिस्पायरेटरी रूट्स होती हैं जो आपके राइजोफोरा एविसिनिया जैसे मैंग्रोव प्लांट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता तो आप उसको इजी फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। यानी अब हम एनिमल्स में
अडॉप्टेशन की बात करेंगे कि अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स में अडॉप्टेशन कैसे होते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं कि एनिमल्स में अडॉप्टेशन कैसे होता है। सो एनिमल्स हैव डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशन, क्योंकि प्लांट्स में भी होंगे तो एनिमल्स में भी अडॉप्टेशन होंगे। एनिमल्स भी वाइड वैरायटी ऑफ एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। सो एनिमल्स हैव डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशन टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या होगा, ड्रॉट है, कोल्ड है, एक्सेस रेन है, ये सारे आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं। कहीं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, कहीं बहुत हाइपर सलाइन सॉइल है, ये सारे ही आपके एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं जिन्हें बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स जो कॉज करते हैं। ठीक है जी, तो कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एनिमल्स में अडॉप्टेशन को शो करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बोल्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही एग्जांपल्स मैंने वही लिए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। ठीक है जी, इनको तो बिल्कुल टू द पॉइंट आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, सो अडॉप्टेशन इन कंगारू रैट, कंगारू रैट में किस तरह की अडॉप्टेशन पाई जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो कंगारू रैट क्या होता है, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल चूहा होता है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कंगारू रैट के बारे में, कंगारू जैसा नहीं दिखता है बट चलता बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है जी, सो अडॉप्टेशन इन कंगारू रैट, कंगारू रैट पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका के डिजर्ट्स में। डिजर्ट क्या होता है मैंने आपको भी बताया, ज़ेरोफिटिक कंडीशन होती है वहां पे, है ना, यानी कि ड्राई कंडीशन होती है, वाटर की बहुत कमी होती है, जो आपके एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स होते हैं वहां पर सर्वाइव करने के लिए अपने आपको अडॉप्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। कंगारू रैट कैसे अपने आपको उस डिजर्ट में अडॉप्ट कर रहा है, वो चाहता है कि हम डेजर्ट में ही रहना चाहते हैं जी, हमको किसी तरह का कोई अडॉप्टेशन करना होगा तो हम कर लेंगे, बट रहेंगे तो हम यहीं पे ही। तो कैसे रहेगा वो, कुछ ना कुछ ऐसा काम करता होगा कि वो वाटर कंजर्वेशन करता होगा कहीं ना, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो है कि हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर से बचने के लिए वो बरो वगैरह बना के रहता होगा सैंड के अंदर। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वाटर, वाटर की बहुत कमी होती है वहां पे, तो वाटर को कैसे बनाया जाए भाई, वाटर को कैसे बचाया जाए कि हाई हीट में वहां पर प्रॉब्लम ना हो जाए, स्वेटिंग के फॉर्म में एक्सेस ना निकल जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पे उसकी बॉडी जो भी वो खाता पीता है सीड वगैरह प्लांट्स के, उस सीड में होते हैं फैट्स, और फैट के इंटरनल ऑक्सीडेशन से वो बनाता है वाटर। क्या बनाता है, वाटर, और वाटर जो होता है वो उसको स्टोर कर लेता है ना। और क्यों सर, वाटर लॉस तो होता ही होगा यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में वाटर लॉस मिनिमम होता है, क्योंकि वो कंगारू रेट जानता है कि अगर वाटर लॉस यूरिन के थ्रू हो गया तो उसकी बॉडी में बिल्कुल वाटर नहीं बचेगा, है ना। इसलिए पहली बात तो वो क्या करेगा, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से वाटर प्रोड्यूस करेगा, और फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर लेगा ताकि कम से कम पानी का नुकसान हो उसके शरीर से। ठीक है जी, दीपक मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग दीपक जी। चलिए, सो द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट बाई इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ इट्स बॉडी फैट। जैसा मैंने आपको बताया, अपने बॉडी में जो भी उसका फैट होगा, जो भी खाने पीने से उसको मिलेगा, उसके इंटरनल ऑक्सीडेशन से वो वाटर को बनाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, है ना। वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है जब बॉडी का फैट ब्रेक होगा, तो एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये तो चलो वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए डायग्राम, कितना प्यारा सा कंगारू रैट है, कितना क्यूट सा लग रहा है ये। ठीक है, दो चीजें हैं जी, डेजर्ट में अगर रहना है तो सूर्य देवता से बचने के लिए, ठीक है, उसको बरो में रहना पड़ेगा, और दूसरी चीज है वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी प्लांट्स के सीड्स वगैरह ये खा रहा है वहां पे, इन सीड्स के में जो भी फैट वगैरह स्टोर है उसके इंटरनल ऑक्सीडेशन से ये वाटर प्रोड्यूस करेगा, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी इंटरनली। अब बात होती है वाटर लॉस को रोकने की, तो भैया ये इंटरनल फैट के ऑक्सीडेशन से जो वाटर बचता है उसको यूटिलाइज करता है और यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो। इट कैन ऑल्सो कंसंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू एक्सपेल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं कम से कम वाटर का वहां पे लॉस हो। ठीक है जी, अब बात करेंगे कंगारू रैट के केस के बाद, ये तो एक एनिमल अडॉप्टेशन हो गया, अब बात करेंगे हम लोग अडॉप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट में ही जो लिजर्ड रहती है वो क्या करती है, ठीक है, ये तो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन हो गया भैया, कि भैया चलो उसने इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से वाटर कंजर्व कर लिया। अब बात करते हैं कुछ बिहेवियरल अडॉप्टेशन के बारे में, ठीक है। सो डेजर्ट लिजर्ड कैसे आपकी अडॉप्ट करती है, आप जानते हैं कि जो लिजर्ड होती है वो रेप्टाइल होती है। रेप्टाइल कैसे होते हैं, रेप्टाइल आपके उस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि होता क्या है कि उनके अंदर ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर में चेंज होने वाले एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखें। उनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और इन्हें बोलते हैं एक्टोथर्म्स। ठीक है जी, सो अडॉप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ड के बारे में पढ़ते हैं।
तो जब वो अपने बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो उसके पास एक रास्ता है, जब एक्सेस टेम्परेचर होता है, जब धूप बहुत ज्यादा होती है तो सैंड में बरो बना के छुप जाती है ताकि धूप से बच सके और उसकी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। लेकिन जब कभी रात होती है और बहुत सर्दी पड़ती है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ये कह सकते हैं, या दिन की ही अगर बात की जाए, दिन में ही अगर मान लो उसकी बॉडी की टेम्परेचर किसी वजह से बहुत ज्यादा देर बरो में रहने की वजह से फॉल कर रहा है, मतलब लो हो रहा है काफी, ठीक है, उस कंडीशन में धूप में आ जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर उसका राइज कर जाएगा, ठीक है। सो एडाप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ड की स्टोरी मैंने आपको बता दी, आइए इसको पढ़ते हैं। सो लिजर्ड क्या करती हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम सन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से नीचे जाने पे धूप में पहुंच जाएंगी, ठीक है, अब अभी सर्दी लग रही है, ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो गया बॉडी का, उस कंडीशन में धूप में पहुंच जाएंगे, अब थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा धूप में और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा शेड में आ जाएंगे, छांव में आ जाएंगे, है ना। इसी तरह के अडैप्टेशंस को बोलते हैं बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस और अडैप्टेशंस, एंड मूव टू शेड व्हेन द एंबिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जब जो आपका कंफर्ट जोन या एंबिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग जब वो बढ़ने लगेगा तो फिर वो शेड में आ जाएगी। सम स्पीसीज बरो इनटू द सॉइल एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट, दिस इज बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस। और कुछ जो आपकी लिजर्ड की स्पीसीज होती हैं वो सॉइल में या सैंड में वहां पे बरो बना लेती हैं ताकि वो बच सकें, ठीक है, इस तरह की हीट से। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं एडाप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ड्स, जो डेजर्ट लिजर्ड्स होती हैं इसके अडाप्टेशन के बारे में बात की थी। देखिए सैंड में किस तरह से ये लिजर्ड बैठी हुई है और ये लिजर्ड धूप में बैठी हुई है क्योंकि इसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया होगा, कहीं ना कहीं कम हो गया होगा एम्बियंट या कम्फर्ट जोन से। जब इसका टेम्परेचर कम्फर्ट जोन से राइज करेगा, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बॉडी का, तब ये वापस शेड में आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए तो इस तरह से ये जो लिजर्ड होती है वो अडाप्ट करती है। अब बात करेंगे अडाप्टेशन इन मैमल्स के बारे में कि मैमल्स में कैसे अडाप्टेशन होते हैं। आप जानते हैं कि मैमल्स जो होते हैं अगर वो कोल्डर क्लाइमेट में पाए जाएंगे, ठीक है जी, तो कोल्डर क्लाइमेट पाए जाएंगे तो उस कंडीशन में उनको ठंडी लगेगी और ठंडी से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है फैट। फैट जो होता है वो बॉडी को बचाता है, इसलिए जो थोड़े से मोटे लोग होते हैं ना उनको सर्दी थोड़ी कम लगती है और जो दुबले पतले होते हैं बिल्कुल सर्दी में बिल्कुल चिपक जाते हैं कि सर्दी बहुत सर्दी लग रही है ना, ऐसा ही होता है सब लोग जब बच्चे पढ़ते हैं। तो अडाप्टेशन इन मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स में किस तरह के अडाप्टेशन होते हैं। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स, है ना। एक बात यह भी होती है कि एक्चुअली में हमें सर्दी कब लगती है, जब बॉडी से हीट का लॉस होता है, ठीक है जी। चलिए जी कुछ बच्चे अभी भी जुड़ते चले जा रहे हैं, समीर तिवारी, ओके जी, समीर तिवारी इज इट फर्स्ट लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है, बहुत सारी लाइव सेशंस हो चुकी हैं, इस चैप्टर का भी फर्स्ट लेक्चर नहीं है, ये एक बीच का इंपॉर्टेंट टॉपिक है अडाप्टेशन, ठीक है। तो आप समय से आइए और सीखते रहिए जो जो इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है समीर जी, समय से आया करिए। और आइए देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें सर्दी कब लगती है, हमें सर्दी तो तभी लगेगी जब बॉडी से हीट का लॉस होगा, और हीट का लॉस जब होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बताइए, हीट का लॉस होगा तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी टेम्परेचर जो होगा धीरे धीरे क्या करेगा बताइए, हीट निकलती जा रही, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सरफेस एरिया ही मेन फैक्टर होता है हीट लॉस के लिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हीट लॉस उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही हीट गेन भी हो जाएगा अगर धूप है तो। इसी वजह से जो मैमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के, ठंडी जगह के जो मैमल्स होते हैं उनमें जनरली शॉर्टर ईयर्स और लिम्स पाए जाते हैं। ईयर मींस ईयर पिन्ना की बात हो रही है और लिम्स मींस जो हाथ और पैर होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स आप जानते ही होंगे। तो कोल्डर एरिया के एनिमल्स में शॉर्टर ईयर और लिम्स पाए जाएंगे ताकि कम से कम सरफेस एरिया हो सके, और सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस भी मिनिमम हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं एलन रूल, क्योंकि एलन रूल कहता है कि हीट लॉस और हीट गेन इज अ मैटर ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से रिलेटेड है ये बात, सरफेस एरिया ज्यादा तो हीट लॉस ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो हीट लॉस भी कम। इसी वजह से तो सर्दी में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके सोते हैं, ऐसे करके सोएंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हीट लॉस कम होगा, सर्दी कम लगेगी। गर्मी में ऐसे करके सोते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे करके सोएंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, इस कंडीशन में एयर आएगी और कूलिंग जल्दी होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि मैंने आपको बताया कि पोलर रीजन जो ठंडे रीजन होते हैं वहां पर कुछ मैमल्स पाए जाते हैं, आपने डिस्कवरी जैसे चैनल्स में देखा भी होगा कि एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, लाइक सील्स, सील्स होती हैं, इनमें थिक लेयर होती है फैट की, क्योंकि मैंने आपसे बोला था फैट हमारी बॉडी को बचाता है, तो इनमें थिक लेयर होती है फैट की जिसे बोलते हैं ब्लबर, क्या बोलते हैं जी, ब्लबर बोलते हैं, ठीक है जी। आस्था से जान जुड़ चुकी हैं, लगातार जुड़ी हुई हैं हमसे आस्था से जान और देखती जा रही हैं, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। जिन जिन बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही कमेंट करके जरूर बताइए, किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछे, ठीक है जी।
सो फैट और ब्लबर की लेयर पाई जाती है इन कोल्डर एक्वेटिक मैमल्स में, जो कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, बिलो देयर स्किन, स्किन के जस्ट बिलो. इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड इंड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी, रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी फैट या बॉडी हीट. कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जो फैट की जो लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लबर. क्या बोलते हैं? ब्लबर. और ब्लबर का मेन काम होता है कि इस कोल्डर एरिया में किसी भी तरह की हीट लॉस ना हो पाए, बॉडी की हीट कंजर्व रहे. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इस तरह से हमने मैमल्स की बात कर ली. और ये देखिए कितना प्यारा सा मैमल बना हुआ है. ये अडाप्टेशन इन मैमल का डायग्राम है. बताइए कौन सा एनिमल है ये, बताइए एनिमल है. उनमें से कैटेगरी कौन सी होगी? मैमल हो गई. और ये है सील. क्या है बताइए? सील, जो कि कोल्डर कंडीशन है, बर्फ है यहाँ पे. ठीक है, कोल्डर एरिया में पाया जाएगा ये. और इतनी सर्दी है यहाँ पे, परमानेंट यहाँ पे बर्फ रहती है. इससे बचने के लिए था कितना ज्यादा फैट इसने स्टोर कर लिया अपने आसपास. ठीक है, ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं. तो यहीं पे इसके स्किन नीचे ब्लबर पाया जाएगा, फैट पाया जाएगा, जो इसको इस ठंडी जगह में अडॉप्ट करने में हेल्प कर रहा है, हीट लॉस से बचा रहा है. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. और अब हम डिस्कस करेंगे एक नई अडॉप्टेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अडॉप्टेशंस एट हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में हाई एल्टीट्यूड पे कैसे कैसे अडॉप्टेशंस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आप जानते हैं कि कभी कभी सौभाग्य मिलता है माता पिता के साथ घूमने का. कभी कभी आप जाते हैं और जब बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे जाते हैं तो आपने देखा भी होगा, ठीक है जी, कि वहां पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोग फेंट हो जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं. ठीक है जी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में चले जाते जाएंगे, वैसे वैसे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, हम वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. क्यों? कुछ रीजंस होते हैं. हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का प्रेशर काफी कम होता है, गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में डिफ्यूज करती हैं. बाहर का प्रेशर लो हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो कैसे डिफ्यूज करेगी बॉडी के अंदर, है ना? तो इस वजह से क्या होता है कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है. ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन कर पाता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में हो नहीं पाती है. जब प्रॉपर सप्लाई ब्लड की हो नहीं पाएगी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी ब्लड के थ्रू, तो उस कंडीशन में बॉडी में वीकनेस आ जाएगी और हेडेक होने लगेगा, नौजिया फील होगी, और बहुत सारे लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं. ठीक है जी, चलिए सो आइए देखते हैं इसके बारे में. सो हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस में अगर जाएंगे, लाइक रोहतांग पास है नियर मनाली, है ना, मनाली का नाम आपने सुना होगा. ठीक है, मनाली किसी लड़की का नाम नहीं है, जगह का नाम है. ठीक है, हाँ. सो मनाली में आप जब घूमने जाएंगे रोहतांग पास में, तो 3500 मीटर्स के अबव का एल्टीट्यूड जो है वहां पे, या मानसरोवर जाते हैं. मानसरोवर एक एरिया है, ठीक है, इन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत. ठीक है, तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था वहां पे. उस एरिया में अगर आप जाते हैं तो पीपल जो होते हैं सफर करेंगे फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस. जो वहां पे रह रहे हैं उनको नहीं होगी, जो पहली बार जाएगा वहां पे या बहुत समय बाद जाएगा उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है जी, चलिए. तो सृष्टि सचान जुड़ चुकी हैं, योर एक्सप्लेनेशन इज सो गुड, थैंक यू सृष्टि जी, आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है. आइए आगे देखते हैं. द कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड नौजिया, फैटीग एंड हार्ट पल्पिटेशंस. यानी जो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिए कि वहां पे नौजिया जैसा फील होगा. ठीक है, कुछ लोगों को वहां पे फैटिगनेस आ जाती है, थकावट तो हो ही जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, एंड हार्ट पल्पिटेशंस एबनॉर्मल हो जाती है. दिस इज बिकॉज एट लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड रीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम हो जाता है, एंड बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, और बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. ओके जी, चलिए ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था. ये भाई साहब जो है खतरों के खिलाड़ी हैं, पहाड़ पे चलते चले जा रहे हैं, इनको डर नहीं लग रहा है, इनको भी मालूम नहीं है कि बहुत बड़ा खतरा इनके सामने है जिसका नाम है एल्टीट्यूड सिकनेस. एल्टीट्यूड सिकनेस नाम की बीमारी है और ये चढ़ते चले आ रहे हैं. अब ये सोच रहे हैं इस वाली पहाड़ी पे भी चढ़ना है हमको, चढ़ेंगे बट इनको प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये पहली बार यहाँ पे आए हैं. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक O2 का प्रेशर डिक्रीज करेगा और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है जी, चलिए आगे इसके बारे में और चीज डिस्कस करते हैं कि द रिलीफ अकर्स ग्रेजुअली ड्यू टू द एक्लिमेटाइजेशन. एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब वहां पे कुछ समय हम गुजारेंगे, कुछ दिन रहेंगे, तो बॉडी वहां के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करेगी, एक्लिमेटाइज करेगी, एडजस्ट करेगी. ठीक है जी, ताकि वहां पे प्रॉपर ब्रीदिंग हम कर सकें. द बॉडी कोप्स अप विद दीज लो ऑक्सीजन स्ट्रेस बाय फॉलोइंग मेथड्स. ऑक्सीजन का जो लो वहां पे लेवल है उससे बचने के लिए, उसको कोप करने के लिए, उसको सहने के लिए बॉडी में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं. तो एक चीज है कि भैया ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, ज्यादा तेजी से ब्रीदिंग करेंगे तो ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो हम वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं. दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज करेगी. ज्यादा ज्यादा आरबीसीज होंगी तो थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन होगी ना, तो आरबीसीज जल्दी जल्दी सप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे. ठीक है जी, चलिए जी. सो इंक्रीजिंग रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड सेल्स
आरबीसीज का नंबर बढ़ जाए तो बॉडी एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। इंक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये एक्चुअली में इंक्रीजिंग है यहाँ पे, इंक्रीजिंग, ठीक है। सो अगर बाइंडिंग एफिनिटी को हम इंक्रीज कर देंगे हीमोग्लोबिन या धीरे धीरे इंक्रीज कर जाए, तो उस कंडीशन में जो भी ऑक्सीजन आएगी वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी और तुरंत ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द हार्ट ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो होगी ट्रांसपोर्ट होगी या बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है जी। चलिए, सो इस तरह से बॉडी कोप करती है, वहां पे एडजस्ट करती है। ये देखिए रोहतांग पास की एक इमेज यहाँ पे मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की हुई है। इस तरह से जब इस तरह के एल्टीट्यूड्स में जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड्स में जाएंगे जहां बर्फ वगैरह रहती है, तो इनिशियल डेज में आपको प्रॉब्लम होगी, बट कुछ समय बिताने के बाद आप वहां पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी एक्लिमेटाइज कर जाएगी, वहां पे एडजस्ट कर लेगी अपने आपको, ठीक है जी। चले जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्यूरिंग अ स्कूल ट्रिप टू रोहतांग पास, एक स्कूल ट्रिप है रोहतांग पास के लिए, आप पूरा जो आपका स्कूल था, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हैं, ठीक है, और जो और भी बच्चे होंगे साथ में जो स्कूल की ट्रिप प्लान थी और वो जा रही थी रोहतांग पास के लिए, ठीक है। बट आप अभी कहाँ रह रहे थे, लो एल्टीट्यूड वाले एरिया में रह रहे थे, आपकी आदत तो है नहीं वहां जाने की, आपकी बॉडी वहां के हिसाब से एडजस्ट भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, रोहतांग पास आपके लिए एक ट्रिप बनी स्कूल की, स्कूल वाले सोचे थोड़ा सा दूर घुमा देते हैं, ठीक है। देन वन ऑफ योर क्लासमेट सडनली डेवलप्स एल्टीट्यूड सिकनेस, बहुत शरारती बच्चा होगा पक्की बात है, वो एक तो हाई एल्टीट्यूड पे चला गया और उछल कूद रहा होगा वहां पे बहुत ज्यादा, उछलने कूदने की वजह से बॉडी में क्या हो गया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी चाहिए होगी तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगी रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन का वहां पे प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर काफी कम होता है, इस वजह से उसको क्या हो गया बताइए, एल्टीट्यूड सिकनेस, या लगातार पहाड़ में चढ़ने की वजह से भी एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। आप रेस्ट करेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे वहां पे, बट ही और शी रिकवर्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद फिर से चलने कूदने लगेगा वो, ठीक है, जब कुछ समय बिता लेगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं क्वेश्चंस के लिए। देखिए यही है वो लड़का, बहुत शरारती बच्चा है ये, जाके बिल्कुल थक के लेट गया, पहले इसको समझ नहीं आ रहा था, अब इसको क्या हो गया, एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई, ठीक है। अब कह रहा भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम शरारत नहीं करेंगे, तो हाई लैंड में अगर ट्रेवल करते हैं तो उस कंडीशन में एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है और ऐसे शरारती बच्चे को आराम करना पड़ेगा, एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा 3-4 दिन तक। तो क्वेश्चंस के बारे में आइए पढ़ते हैं, हंसी मजाक होता रहेगा, क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन वन सिम्टम टू डायग्नोज द सिकनेस, यानी एल्टीट्यूड सिकनेस को पहचानने का कोई एक सिम्टम बताइए। बहुत सारे सिम्टम होते हैं, फैटिगनेस आ जाएगी, नॉजिया फील होगा, पर्सन जो होगा फैंट भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, ठीक है, ये सिम्टम्स हो गए आपके। व्हाट कॉज द सिकनेस, सिकनेस किसने कॉज की, लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेशर ने, जो आपका जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर था वहां पे काफी कम था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। हाउ कुड बी और ही और शी रिकवर बाई ही हर हिमसेल्फ आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो कैसे रिकवर कर लेगा, बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आरबीसीज, कुछ समय बाद बढ़ जाएंगी और साथ में क्या होगा बताइए, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। चलिए जी, आकर सचान को भी बात समझ में आ गई है, कहीं आकर सचान ही तो वो शरारती बच्चा नहीं है जो एल्टीट्यूड सिकनेस से अफेक्टेड हो चुका था, ठीक है। चलिए आकर्ष जी, ज्यादा उछल कूद मत करिएगा, समझते रहिए चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ट्राइबल पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो लोग आप कभी पहाड़ पर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, जो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन होते हैं, पहाड़ी लोग जिनको बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर आरबीसीज होती हैं, गोरे गोरे से होते हैं, रेडिश रेडिश दिखते हैं बिल्कुल, क्यों, बिकॉज जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं हिमालय वाले रीजन में, उनमें हायर आरबीसीज होती हैं काउंट देन द पीपल लिविंग इन प्लेन्स। तो हम लोग तो प्लेन्स पर रहते हैं, हमसे कंपेयर करोगे तो उनमें आरबीसी का काउंट ज्यादा ही होगा, क्योंकि उन्हें लो ऑक्सीजन प्रेशर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो भी ज्यादा होगी हम लोगों के कंपेयर में। तो ये तो बात हो गई ट्राइबल पीपल्स की, उनमें आरबीसी ज्यादा होती है, ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा। नाउ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ स्पेशलाइज बैक्टीरिया उसकी बात करते हैं, 3 नोट पॉइंट अच्छा समझिएगा, पहला हो चुका है, दूसरा नोट पॉइंट समझते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक आर्की बैक्टीरिया, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के बारे में, स्पेशलाइज सेल वॉल होती है जिस वजह से ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी अपने आपको सर्वाइव करा लेता है। तो कुछ बैक्टीरिया लाइक आर्की बैक्टीरिया होते हैं, कैन फ्लोरिश इन प्लेसेस हैविंग टेम्परेचर एक्सीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड सच एज डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हॉट स्प्रिंग्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स दे पजेस, यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से वहां पे सर्वाइव कर लेते हैं, और खास बात तो ये कि इसमें स्पेशलाइज सेल वॉल भी होती है जो उसको हेल्प करती है वहां सर्वाइव करने में। दीज एंजाइम्स कैन विदस्टैंड एट हाई टेम्परेचर, अगर कोई माइक्रोब या कोई बैक्टीरिया अगर बहुत हाई टेम्परेचर पाया जा रहा है, इट मींस उसकी बॉडी में वो एंजाइम्स पाए जाएंगे जो कि हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेंगे। और आप जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में
आप जानते हैं एक बैक्टीरिया था थर्मस एक्वेटिकस, जिससे हमें मिलता था टेक पॉलीमरेज, जिसका हम यूज करते थे क्या पॉलीमरेज जनरेशन में, आपको याद होगा ठीक है। तो वो भी थर्मोस्टेबल एंजाइम हुआ करता था, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हुआ करता था। चलिए जी इस डायग्राम को समझिए, ये डायग्राम है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स का और ये है हॉट स्प्रिंग्स का। सभी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं इस टॉपिक को अच्छी तरह समझिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आप आज का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, कैसा क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जरूर जुड़े रहिए हमसे और सारी चीजें समझते जाइए, कमेंट जरूर करिएगा, बताइए जरूर कि सारी चीजें आपको कैसे समझ में आ रही हैं। सो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की ये इमेज मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम शो किया, साथ में ये रहा हमारा हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स वो रीजन होते हैं जहां पे जो हॉट वाटर होता है वो अपने आप बनता है। कुछ आपने देखो न्यूज में भी आते हैं कि पहाड़ होता है वहां पे ऑटोमेटिक बॉइलिंग वाटर होता है, ऐसे रीजन को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। जबकि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट समुद्र के नीचे होते हैं, सी ओशन के काफी लोअर सर्फेस पे होते हैं, यहां से हॉट वाटर निकलता है काफी ज्यादा ठीक है। सो ये भी कुछ हार्श हैबिटेट है जहां पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे स्पेशल जो पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं, नोट पॉइंट है कि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ फिशेस भी होती हैं जो टोलरेट कर लेती हैं बहुत ही लो टेम्परेचर को, यानी कि बर्फीले पानी में भी रह सकती हैं वो ठीक है। कहेंगे सर उनका बॉडी फ्लूड जो होगा ब्लड वगैरह क्या वो फ्रीज नहीं करता है क्या? नो, क्यों नहीं करता? क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं ठीक है। आइस फिश होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आइस फिश जैसी कुछ फिशेज होती हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, कुछ फिशेज भी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं वहां पे, दैट इज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसपे तो बर्फ जम जाती है ठीक है, बाई एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स लाइक ग्लिसरॉल्स एंड एंटीफ्रीज प्रोटीन्स दैट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। क्योंकि ऐसे एनिमल्स में, ऐसे फिशेस में, ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स में इनके बॉडी फ्लूइड्स में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स पाए जाते हैं, ये एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स उनके फ्रीजिंग पॉइंट को, जो बॉडी फ्लूइड का फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर देगा ठीक है, लो कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज और होने की वजह से उनका बॉडी फ्लूइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी फ्रीज नहीं होगा और वो वहां पे अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये इंपॉर्टेंट तीन नोट पॉइंट्स को डिस्कस किया कि किस तरह से अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एक्सट्रीम हैबिटेट्स में अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। हमने अडाप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा, पहले तो सीखा अडाप्टेशंस क्या होती हैं, फिर अडाप्टेशंस के अंदर प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स में हेलोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जेरोफाइट्स होते हैं, अलग अलग एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में एनवायरमेंट वो कैसे अपने आप को अडाप्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एनिमल्स में अडाप्टेशंस होती हैं, एनिमल्स में भी लिजर्ड्स में, मैमल्स में ब्लबर होता है, किसी में इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन होता है और अलग अलग तरीकों से एनिमल्स क्या करते हैं अपने आपको अडाप्ट करते हैं अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में। और इस तरह से आज के हम इस इंपॉर्टेंट लाइव सेशन को कंप्लीट करते हैं और आप सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, हैप्पी लोहरी कात्यायन फैमिली की तरफ से सभी बच्चों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी पूरी कात्यायन टीम की तरफ से। आप सभी लोग बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, इस शुभ अवसर पे अपने परिवार वालों का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए और जीवन में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाइए। कात्यायन की टीम आपके साथ हमेशा तैयार है, दिन और रात लगने के लिए तैयार है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो हमसे संपर्क करिए। कात्यायन अकेडमी के बोर्ड बूस्टर सीरीज को जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। वेट करेंगे आपका और अगले लाइव सेशन के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।